नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। पेश है देश प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी सीबीआई जांच। जम्मू कश्मीर की दो फाइलों पर रिश्वत की पेशकश की कही थी बात। बीरभूमि हिंसा पर बवाल के बीच बंगाल में एक और टीएमसी नेता को मारी गई गोली। बीरभूमि हिंसा में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। लखनऊ में शाम 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक। विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। बैठक में अमित शाह, रघुवर दास, संगठन महामंत्री सुनील बंसल रहेंगे मौजूद। योगी सरकार गठन के बाद संगठन में बदलाव की तैयारियों में बीजेपी। बागियों पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। जमीनी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी तरजीह। यूपीएमएलसी चुनाव के मतदान से पहले ही बीजेपी का 7 सीटों पर कब्जा। अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। हरदोई, बदायूं और मिर्जापुर चित्रकूट सीट पर सपा उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने से बीजेपी का रास्ता हुआ आसान। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब पीएनजी सीएनजी भी महंगी। 50 पैसे महंगी हुई सीएनजी। पीएनजी की दरों में 1 रुपए की बढ़ोतरी। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। परीक्षा में 51 लाख छात्र छात्राएं हो रहे हैं शामिल। नकल रोकने के किए गए हैं खास प्रबंध। कानपुर में बिठूर के मोहम्मदपुर में डंपर से मोरंग उतारते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर। मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। डंपर के डाले में हाई टेंशन तार छूने से हुआ हादसा। चौबेपुर रेलवे क्रॉसिंग 28C के बंद होने के फरमान के चलते 21 दिन से लगातार चल रहा धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। डीएम के निर्देश पर पहुंचे उप जिलाधिकारी बिल्हौर ने प्रदर्शनकारियों से की वार्ता। समस्या का उचित हल निकालने के बाद ही बंद की जाएगी क्रॉसिंग। क्रूड ऑयल की ऊंचाई से फिसला शेयर बाजार। सेंसेक्स निफ्टी खुलते ही धड़ाम। सेंसेक्स 495 अंकों के नुकसान के साथ 57,190 पर खुला, जबकि निफ्टी 151 अंकों के नुकसान के साथ 17,095 पर ठहरा। फिलहाल देश प्रदेश की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहें एबी न्यूज। नमस्कार।